सीधे बैठ, मैं थका, मैं तेरे से इतना बड़ा, मैं थका, ऐसे करो सीधा सीधा करो, कमर सीधी ऐसे। पर मेरी मम्मी को एक बहुत सीरियस क्वेश्चन है, मेरी मम्मी को वो चाह रही है कि पीकू बता दे प्लीज यार, मैं बहुत दिन से कंफ्यूज हूँ। क्या बोल रहे हो तुम? उसर कौन है? उसर मीनू को भी नहीं पता उसर कौन है। तो स्वागत है आपका आज के इस नए व्लॉग में। यू आर वॉचिंग प्रियांक आर्या व्लॉग्स को रोज देखने के लिए क्या था मैं भूल जाती है। रवि बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक ब्लॉग्स में बने रहने के लिए, ब्लॉग्स में बने रहने के लिए। तो हम लोग पहुंच चुके हैं कोटद्वार और तोशी शैतानी कर रही है। कुछ कुछ ये देख, पीकू बहन ने लगा दी चोट। सच में बहुत चोट क्या मैंने नहीं लगाई वहाँ पे? तो चोट ये क्या सबसे ज्यादा ठाटा आज कानू जी के। गुजिया मिल रही खाने को, गुजिया और घर के अमरूद। ये हमारा मंदिर है। और लवी क्या बनाया तूने आज? ऐसे सहम सा क्यों गया तू अचानक से? पेट में गिर जाता है ना। मत दिखाओ इसको, मत डाल, इसको नहीं पड़ता। यहाँ पे मम्मी हमारी नाश्ते की तैयारी कर रही है आटा गूंद रही है, इतनी बड़ी फैमिली के लिए इसकी नाश्ते। भाभी होती तो भाभी नीचे रखती इसको। हाँ मैं करती पर मेरा अंगूठा गया आज, ज्यादा आटा नहीं हो गए कितने सारे हो रखे हम चार भाई बहन एक मैं। तू घूमने निकल जाती है अभी तो बढ़िया, फिर हम रहते हैं यहाँ पर। अच्छा लवी अपनी सब्जी दिखा जो तूने बनाई। लवी ने बहुत टेस्टी और सिंपल सी सब्जी बनाई है। वाओ दिखने में तो बहुत टेस्टी लग रही है। इसको बोलते हैं ब्लैक पेपर आलू जीरा गुटका। अच्छा अरे वाह यार लवी ये खाने को मिलेगा आज। नहीं नहीं वो भी डालो, इसका पराठे बनना है इसे आलू के पराठे में। हां नहीं नहीं भाई मुझे मत दिखाओ यार। क्यों मत दिखाओ? ए पागल गंदा तो लग रहा है, अच्छा खासा तो गंदा लग रहा है। होटल मैनेजमेंट किया है भाई ने तो ये सब होटल मैनेजमेंट किया हुआ है भाई ने तो ये सब तो मिलना ही चाहिए। मत करो है तो ये सब तो मिलना ही चाहिए भाई। लवी ने एक बार मोमो बनवाया। लवी बनाए भाई इस बार जब हम दिल्ली जाएंगे उससे पहले तुझे मोमो बनाने हैं। मान ले भाई वाले वो कह रहे हैं कि भाभी इस बार मैं आपको ऐसी ऐसी चीज खिलाऊंगा कि बस अब भाभी को सिर्फ तू तो लड़ता रहता है। लवी सिर्फ मुझे खिलाएगा ना? ठीक है से देख रहा बिल्कुल कि मैं ब्लॉग ना रहा हूं। यहां अलग ही थीम चल रहा है। लवी सुन तेरी यहीं क्यों आई दाढ़ी सीधा यहां दाढ़ी आ रही भाई के। ये पीकू पता क्या कह रहा था वहां जाके तुम दोनों टीम टीम मत कर लेना बहुत किलस जाता हूं मैं। भाई ये दोनों क्या करते हैं मीनू और लवी ये दोनों टीम अप हो जाते हैं भाई और सारे जितने भी इल्जाम लगाने होंगे सारे उल्टे काम जितने भी करने होंगे सबका जिम्मा मेरे सर मर देते हैं और दोनों मिलकर टीम अप करके मेरे को चिढ़ाते रहते हैं भाई। अंकलिया मेंटालिटी थोड़ी होने लगी है दोस्तों, बिल्कुल अंकलिया टाइप। मैं तुम्हें एक चीज और नहीं बताई, मेरे दोस्तों के साथ चैलेंज चल रहा है कुछ टाइम से। मतलब एक मार्क है अगर वो 21 पहुंच गया जिसका पहले पहुंच गया वो जीत जाएगा। ठीक है वैसे तो वैसे भी पहुंचा सकते हैं पर वो प्रॉपर होना चाहिए बिना थके। तो मैं काफ़ी टाइम से सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ और योगा तो कर ही रहा हूँ बट सूर्य नमस्कार वाट लग जाती है। तो वो करने के बाद मैं अपने स्कूल टाइम फ्रेंड्स के ग्रुप में उसको भेज देता हूँ उसका एक टाइम लैप्स। तो पहले 5 थे 6 थे 7 थे 8 थे 9 थे आज मैंने 11-12 कर दिए भेजने वाला हूँ। तो मेंटालिटी थोड़ी अंकलिया होने लगी है बिल्कुल। सूर्य नमस्कार अंकलिया क्या बात है भाई इसमें अच्छी बात है वो थोड़ी देर बाद तो इससे बढ़िया था तू मिट्टी खा लिया कर। ये सब क्या खाते तू ऐसे बोल मैं गढ़वाल का ब्रूस लिया जोर से बोल मैं गढ़वाल का मुस्ली और हैया बोल हैया यार देखना ये कितने गलत काम कर रहे देख रहा है चाकू घुस रही है इसमें अबे मोटे तूने वहां एचएम किया कि खाया तूने वहां आपने नहीं खाया आलू आलू खाया आपने सही लग रहे हैं इतना अच्छा नहीं हो रहा पापा का मुंह देख के लग रहा है गाइस
योगा वोगा करने के बाद ऐसा ऐसा खाना मिल जाए ना, वाह सात्विक। ना यार लवी, ताज में बात कर रहा हूँ तेरी, ये इतनी तीतर है ना, इसको पराठा चाहिए, ये नहीं खा सकती सादी रोटी हमारी तरह। यार मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं बीच में रुक गया था ऐसी, मैं खाने लगे था, मैंने रजिस्टर नहीं किया ये चीज़ कि ये आलू और रोटी ये इतना टेस्टी हो रहा है। ये इतना सादा दिखने वाला आलू ना बहुत ही ज़्यादा गजब हो रहा है यार। क्या यार लगी, मतलब ये इसकी शक्ल देखो कितनी सादी है यार ये, पर ये बहुत ही टेस्टी हो रहा है भाई। मूड खराब, थैंक यू लवी। बस यही है तेरा रिएक्शन लवी, तू घुट के खा रहे, मुझे लगा जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। इग्नोर गाइस, थोड़ी चटनी और लेते हैं, रहा ठीक है। ये चाय कैसे, मैं मतलब दही खा ली मैंने, अभी चाय भी ली है, हल्दी भी नहीं है इसमें, नमक हरी मिर्च और काली मिर्च बस, हमारे शेफ ने बनाया है वो बैठा क्रिएटर। अरे भाई क्या बात है सलमान, अब सब लोग सो रहे हैं, हम लोग की भी ज्यादातर नींद पूरी नहीं हुई है आज, नहा गए हैं हम लोग, मैं नहा गया हूँ, खाना नहीं खाया। अभी तो तूने पराठा खाया, तो उसी भी नहा गई है, तो हम सब लोग अब सो रहे हैं। हितोषी अभी अभी यूट्यूब शॉर्ट्स देख रही थी उठ के, तो इसमें अपना ये रश गेम का ऐड चल रहा है। तेज जैसे 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 रश गेम्स पर स्पीड लूडो गेम इतना मजेदार कि जीते हुए पैसे तुरंत पाओ लगातार, क्या बात कर रहे हैं, और तुरंत पाए 50 रुपए। ऐसे ही आते हैं अपने एड्स यूट्यूब पर, जो आप पूछते हो ना हमेशा कि एड्स कहाँ देखने को मिलेंगे, तो ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए कहीं ना कहीं दिख जाएंगे। और फिर आया अचानक मुझसे मेरे दोस्त मिलने के लिए, म्यूचुअल फंड की बातें हो रही है, हमने जो SIP करी है, हमारे जो मित्रगण है ये सब भी देखते रहते हैं व्लॉग्स, तो इनको मालूम है, आकर थोड़ा मुबारकें भी दिए हैं, बोला भाई यार करने लगे, तो मैंने कहा हाँ हाँ मुबारकें। तो ये है आशीष बुढ़ाकोटी जी, हाय आशीष जी कैसे हैं आप? हाय, बुढ़ाकोटी जी से मिलके बहुत खुशी हुई। बहरहाल तू ये बता, तू सरप्राइज कैसे हुआ था जब आए थे, तो मतलब मैंने इन्होंने चौंका दिया, ना कोई कॉल ना कुछ कुछ भी नहीं, मैं ऐसे ही बैठा हुआ था पापा के साथ बाहर, और ये अचानक से आ गए। बुढ़ाकोटी साहब तो कोटद्वार में ही रहते हैं, बट फिर भी एक बंदा जो है कोटद्वार का ही है, बट रहता मुंबई में है जहां मैं रहता था, बट ये वही लड़का है। अगर आप पहचानना चाहें तो मेरे ब्लॉग्स पुराने ढूंढिए, और ऐसा देखिए कि दोस्त की शादी में आया तूफान, टेंट वेंट उड़ गया था, तूफानी शादी करी थी इनने, इनका नाम है हिमांशु नेगी जी। नेगी जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ, तो इनको देख के हम काफी शौक हुए, मैंने कहा ये कहाँ से आ गया यार, ये तो मुंबई रहता है। तो होली पे सभी मित्रगण आए हुए हैं, सब लोग बतिया रहे हैं, बैठे हैं, फाइनेंशियल नॉलेज गेन कर रहे हैं, इनके साथ कोई बात नहीं कर रहा है, तो ये बड़ी दुखी है। इस बीच एक मेरे को दिल्ली में हमारे ओनर साहब मिले जो हमें ये समझाते रहते, दूसरे ये हिमांशु नेगी जी, और इसके लिए ये लोग जो कुछ भी लाए थे ये इसने अभी साफ कर दिया, जो खाना होता है ये उसी टाइम खत्म कर देती है उसको। तो भाई कैसा माहौल है वहाँ मुंबई में, सब बढ़िया? सब बढ़िया। होली के लिए आया हो? बस बस होली के लिए आए। तो निकलोगे हफ्ते भर में? बस शनिवार को निकल जाऊंगा, बस सेम ही प्लान है हमारा भी। यार मैं कह रहा था हाँ कि कुछ खा लेते हैं यार। तो कहीं चलते हैं, अभी शाम भी हो गई है और हम लोग कहीं जा रहे हैं कुछ खाने पीने। मजाक कर रहे हैं भैया, हम पढ़ाई करने जा रहे हैं लाइब्रेरी। मीनू जी हम जाएं? क्या था यार भाभी जी? अभी हम लोग निकल रहे हैं घूमने। मुझे परेशान कर रहा है, मछुआरे ने मुझे परेशान करना। भाभी मैं भाभी हूँ भैया, ये मुझे ये मिला है, ये मुझे बहुत गंदा लग रहा है, फिर भी खा रही है ऐसे घूट घूट के। मत खाओ ना भाई। आशीष बुढ़ाकोटी ने दो बर्गर पैक करा लिए, हम लोग भाई ये खाते नहीं है, बाहर का ये खाता है भाई। ये भी होता है क्या? मैं तो मोमो खाने से रोका था, मैं ही हूँ जिसने वीडियो भेज के इसको मोमो खाने से रोका था, टमाटर वाली चटनी। हाँ जो हम मोमो नहीं खा रहे ना, इसने ही भेजा था हिमांशु ने। तो पोलो खाते हैं, पोलो टूट गए भाई, चलो लाल मारो पहले, हम स्नूकर खेल रहे हैं भाई आज। शस्त्र मांग लिया भाई ने,
कुछ नहीं हुआ फिर भी भाई इस मैच के विजेता आपके सामने खड़े हैं हिमांशु भाई भयंकर अरे विजेता मैं ही हूँ आज के गेम के मैच के विजेता रहे हिमांशु भाई बधाई है आपको मेरे दिख मत जाइयो मेरे सामने यार ये कौन जीत गया यार इसको आता भी नहीं है डंडा पकड़ना नहीं आता उससे हार रहे तुम गाइस देखो मार्केट जाना हां मैं ही नहीं मैं घर ही जा रहा हूं नेक्स्ट टाइम हारने का मन करे तो बुला देना कह रहा नेक्स्ट टाइम हारने का मन करे तो बुला देना अबे नेक्स्ट टाइम हारने का मन करे इसीलिए तो उसी को यही चाहिए था देख रहे हैं आप मम्मी बुला रही है ये किसके लिए आपके लिए तू मेरी आइसक्रीम चिंता मत कर मैं खाना खाऊंगा पहले वो अभी मत लाओ भैया के लिए हां जा चौड़ी मत हो यहां पर तेरा लहंगा शेरा हाथ में तेरा लहंगा फाल्गुनी पाठक का बचपन है पता क्या कह रही थी हां कह रही कि आपसे रोज लेके आना आइसक्रीम मैंने कहा नहीं नहीं रोज तो नहीं खाते आइसक्रीम कह रहा अच्छा दिल्ली में तो रोज खा रही थी आइसक्रीम रोज देख रही थी पानी आ रहा था इसका व्लॉग देख देख के इसके मुंह में पानी आता रहता है देखा हाथ से चाट दिया उसने जा हाथ धो ऐसा मुक्का क्या क्या सिखाया मैंने लोग कह रहे हैं तोशी को गढ़वाली सिखाओ लो तोशी को गढ़वाली आनी चाहिए जानू से तू बाजार जानू से मैं ये वही इतनी मुझ कर दूँ चे इसको कैसे बोलेंगे कि मैंने खाना खा लिया को गढ़वाली में कैसे बोली मैंने खाना खा लू चे अब और इसको बोल कि मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है ये आइसक्रीम का डब्बा दिख रहा है तुमको इसने ये चाट के साफ कर दिया भाई यहाँ तोशी की क्लास चल रही गढ़वाली की हमने डिनर विनर कर लिया सारा वी आर गुड टू हमारे रेखड़ी खाल जिस तरफ के हम लोग हैं मेरी नानी लोग हैं वहाँ असल बोलते हैं अच्छे को जैसे बोलेंगे ना कि यार वो आदमी बहुत अच्छा है तो ऐसे बोलेंगे अरे वो असल आदमी यार तो अब वो गढ़वाली ब्लॉग भी हम जल्दी बनाएंगे कल या परसों में बस तो जी सबको गुड नाइट बोल दो कल सुबह मिलते हैं सुबह मिलते हैं सुबह बोल दे गुड नाइट बाय पेट दर्द है और खा किंडर जो है खा और खा आइसक्रीम और खा कुरकुरे और खा चलो कपल भाती अबे ओए सांस छोड़ो अब मेरी नाक पे क्या सांस छोड़ी सीधी बैठ पहले सीधी बैठ ये आजकल के बच्चे सांस ले रही थी ना बाहर छोड़ करने लग गई पर मेरी मम्मी को एक बहुत सीरियस क्वेश्चन है मेरी मम्मी को वो चाह रही है कि पीकू बता दे प्लीज यार मैं बहुत दिन से कंफ्यूज हूँ क्या बोल रहे हो तुम उसर कौन है उसर यूट्यूब पे कोई कमेंट करते हैं ना तो मम्मी कह रही है उसर कौन है उसर मीनू को भी नहीं पता उसर कौन है तुझे पता है उसर कौन है उसर हमको तो पता है पर मम्मी को तू ही बता दे कौन है उसर ठीक है अनिको भाई उसर पता है कौन है उसर यार कोई कोई YouTube पे अपना नाम नहीं डालते ना तो वो सिर्फ उनका YouTube खुद से दे देता है कि यूजर 1.1684 तो मम्मी सोचती है कि वो यूजर नहीं है वो उसर है किसी का नाम है उसर निको यार तू तो नहीं गई उसर हमारी फीमेल वर्जन है मम्मी का मेल वर्जन मम्मी का मेल वर्जन है ये अगर मेरी नाम मम्मी विजयलक्ष्मी है तो ये मेल विजयलक्ष्मी है तो भैया बस यही है फिलहाल हमने योगा को कर लिया लंच क्या बोलते हैं ब्रेकफास्ट कर लिया अब होली है तो गुजिया उजिया ये सब बनाने का सीन चलेगा थोड़ा कलर वलर लेके तोशी सुबह ही कलर लेके आ गई थी सबको कलर लगा दिया टीका लगाया ना अभी किसी ने लगाने नहीं दिया इसको कलर तो चिड़ी बेटा तू जो कलर लेके आया ऐसा लग रहा है जैसे आटा होगा कुछ मारो की गंदा सा कलर लाए नीला कलर लाती
इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। क्रिएटर को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन का बटन दबाएं, उसके अलग मजे हैं गारंटेड फन। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वो बेल आइकन दबाइए, क्योंकि तेरे को ये तो पता है ना कि यूजर क्या होता है। क्या होता है यूजर? अरे वाह क्या बात है।